मैंने दोनों मूवी का ट्रेलर देखा है। अरे नहीं, ये अलग अलग मूवी नहीं है, ये एक ही मूवी है। मूवी का उन्होंने नाम रखा है, क्या कर सकते हैं। खैर, इसमें जो कास्ट है वो तो माशाल्लाह, सनी देओल जी के बेटे राजीव देओल जी, नहीं करण देओल जी, उन्होंने तो 2019 में अपनी पलपल है दिल के पास सुपरहिट मूवी देखे, अभी वो वेकेशन मोड पे है। अभी उनके दूसरे बेटे आए हैं, तो दोनों की शक्ल देखोगे ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। खैर, अभी बात करते हैं जो इसमें मेन लीड हीरोइन है, वो पूनम ढिल्लो जी की डॉटर है। अभी मैं उनका नाम भूल गया क्योंकि तुम्हें पता ही है ना तुम्हारे भाई का नाम में कैसा आता है। खैर छोड़ो, अभी स्टोरी की बात कर लेते हैं, बाद में फिर बाकी चीजों की बात करते हैं। अभी ट्रेलर देख के स्टोरी लग रहा है कि लग क्या रहा है मैं बता ही देता हूँ। ट्रेलर में कुछ हद तक स्टोरी समझ में आ जाती है कि जो मेन लीड लड़का है वो एक लड़की से प्यार करता है 10 साल से, उसकी शादी होने वाली है और उसकी शादी में उसे उसी की बंदी बुला देती है। वाह। और फिर जो उस तरफ लड़का होता है उससे प्यार करती है मेन लीड लड़की, और उसे भी वो लड़का अपनी शादी पे बुला लेता है। अब दोनों ये मिलते हैं वहां पे और अपनी अपनी बात शेयर करते हैं कि मैं उस लड़की से 10 साल से प्यार करता था, वो बोलती है मैं भी उस लड़के से प्यार करती थी। तो दोनों की शादी होते हुए देखते हैं, फिर इनमें नजदीकियां बढ़ जाती है और ये दूसरे के साथ मुझे लगता है प्यार में पड़ जाते हैं। यहां तक इतना समझ में आया है, बाकी क्या पता स्टोरी में जब आए, जब मूवी रिलीज हो, स्टोरी तो आ चुकी है, मूवी जब रिलीज हो तो उसमें पता चल जाए कि और क्या सस्पेंस हो सकता है। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ सस्पेंस नहीं होने वाला, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार पहले ही बॉलीवुड को ताला लगने वाला है। मतलब वो ऐसी कतार पे कभी कभी चले जाती है कि बायकॉट वाले, फिर वहां से निकलकर कुछ हमारे अच्छे हीरोज लेकर आते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, फिर उसे घुमाते हैं कि चलो यार ऐसा नहीं करना, अभी हम सुधर गए हैं, हम चीजें लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुछ मूवी ऐसी आती है कि काम खराब कर देती है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है स्टार किड्स है, मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन वो पोटेंशियल और वो चीज भी दिखनी चाहिए। अब डायलॉग इतने फ्लैट आ रहे हैं और एक्सप्रेशन ऐसे चल रहे हैं तो कैसे मजा आएगा। अगर ये सिनेमा में मूवी आएगी तो मुझे नहीं लगता कोई आ जाएगा, लेकिन ओटीटी पे आएगी तो 3-4 लोग जरूर देख लेंगे। हाँ, मेरी बात से कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, पर यार जो सच है सच है, आप देख लो ट्रेलर और आप फैसला कर लो खुद ही कि मैं गलत बोल रहा हूँ या नहीं। इसमें कोई और बड़ा नाम नहीं है, कोई इसमें बड़ा स्टार नहीं है, तो उससे भी फर्क काफी पड़ता है मूवी पे चलेगी या नहीं चलेगी। अभी खैर ये तो तभी पता चलेगा जब मूवी रिलीज होगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।